सामने से उसे एक शख्स ने पकड़ रखा है। इसके बाद एक झटके में किसी धारदार हथियार से उसके गर्दन काट कर अलग कर दी जाती है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए आगे का वीडियो हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि वही शख्स है जिसने मक्का के पवित्र काबा पर दूध छिड़का था। हमारे सामने सवाल था, क्या सिर्फ काबा पर दूध छिड़कने से शख्स की गर्दन काट दी गई? मक्का के पवित्र काबा पर दूध छिड़कने वाला शख्स कौन था? पवित्र काबा पर दूध छिड़क कर वो क्या साबित करना चाहता था? जिसकी गर्दन काटी गई वो आखिर कहाँ का रहने वाला था? इन सवालों के जवाब जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन क्या वाकई सऊदी अरब जैसे मुल्क में ऐसी सजाएं दी जाती हैं? इसे लेकर इस्लाम के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, अगर से कोई जानबूझ के गलती कर रहा है, एक ये है कि अगर से जैसे आपने दिखाया कि एक शख्स बॉटल में लिए हुए दूध है और उसको खाने काबा की दीवार के ऊपर छिड़क रहा, तो अगर तो वो खाने काबा की अल्लाह के घर की उससे जो है बेइज्जती करना चाहता है और चाहता है कि हम इससे अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाएं, तो उसकी सजा है। और सजा क्या मुकर्रर होगी ये तो उलमा ही तय करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक और वीडियो आया। ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स सऊदी अरब में मक्का के पवित्र काबा के सामने दूध छिड़क रहा है। इस वीडियो को कई हिंदूवादी संस्थाएं तेजी से शेयर कर रही हैं। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें साफ दिख रहा है कि एक शख्स जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, वो एक बोतल से पवित्र काबा के ऊपर कुछ छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अरबी भाषा में कुछ बोलता हुआ भी नजर आता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर रितेश मुखिया नाम के शख्स ने पोस्ट किया है। इसने दावा किया है कि जिस शख्स ने दूध चढ़ाया है वो ईरान के रहने वाला मुस्लिम युवक है और उसने वहाँ खुद बताया कि वो पहले हिंदू था। रितेश मुखिया नाम के शख्स की प्रोफाइल कहती है कि वो सनातन धर्म नाम की संस्था में काम करता है। उसके पोस्ट किए गए इस वीडियो को 2000 से ज्यादा बार शेयर किया जा चुका है, जबकि 65,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। लेकिन सवाल था, आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या कोई ईरानी मुस्लिम युवक वाकई मक्का पहुंचा और पवित्र काबा पर दूध छिड़क दिया? तभी पड़ताल में हमारी नजर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डेली टाइम्स में पड़ी। यहां हमें पूरा वीडियो मिला। इस वीडियो को जब हमने देखा तो पता चला कि वो शख्स बोतल में दूध नहीं बल्कि पेट्रोल भरकर लाया था, जिसे एडिट कर सोशल साइट्स पर वायरल किया जा रहा था। अब इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में जब ये शख्स बोतल से पवित्र काबा पर पड़े काले कपड़े पर पेट्रोल डालता है, वैसे ही वहाँ खड़े लोग उसे दबोच लेते हैं और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर देते हैं। लेकिन सवाल अब भी था, आखिर वो शख्स कौन था और क्या चिल्ला रहा था? तभी हमारी नजर लाइफ इन साउथ